श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे दुनिया के 10 ऐतिहासिक रहस्यमय शहरों के बारे में जिनका इतिहास बड़ा निराला है। देखिए, जब धार्मिक स्थलों की बात होती है तो भारत की ओर बरबसी सबकी नजरें उठ जाती हैं या ठहर जाती हैं। निश्चित ही भारत धार्मिक स्थलों के मामलों में अमीर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं दुनिया के उन प्रमुख स्थलों की जो जितने प्रसिद्ध है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और विवादित भी है। धर्मों के इतिहास की बात करें तो आज से 13,000 वर्ष पूर्व आर्यों ने वेदों के धर्म का प्रचार कर एक अलग आर्यवर्त की स्थापना की थी। इसकी सीमा अयोध्या आगरा से लेकर हिंदू कुश पर्वत और पारस तक थी। पारस मतलब ईरान, उसमें उत्तर ईरान भी शामिल था। दूसरी ओर इसकी सीमा तिब्बत कश्मीर से लेकर नर्मदा कावेरी के किनारे तक फैली हुई थी। हालांकि बाद में इस सीमा का ययाति के काल में विस्तार हुआ। ययाति और उसके पुत्रों की कहानी सभी धर्म में आपको मिल जाएगी। हम आपको दुनिया के उन ऐतिहासिक और धार्मिक शहरों के बारे में बताएंगे जो प्राचीन काल में धर्म, राजनीति, समाज और व्यापार के केंद्र में रहे हैं और जिनके लिए भयंकर युद्ध भी हुए हैं। ये ऐसे शहर हैं जिनका रहस्य आज भी बरकरार है। हालांकि उससे पहले इन शहरों के नाम भी हम आपको बता देंगे। ये भी प्राचीन और ऐतिहासिक बड़े शहर हैं, जैसे स्पेन के लोरका है और केदीज, साइप्रस का लोनार्का, अफगानिस्तान का बलक, इराक का तिरकुक और अब्रील, लेबनान का वेरूत, सिडान का त्रिपोली, तुर्की का गजियांतेप। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो प्राचीन शहरों की लिस्ट में शुमार है, लेकिन हम इन्हें छोड़कर अन्य शहरों की बात कर रहे हैं। पहला शहर है हमारे हिंदुस्तान का काशी। काशी मतलब, वैसे तो भारत में कई प्राचीन शहर हैं, जैसे मथुरा है, अयोध्या है, द्वारका है, कांची है, उज्जैन है, रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है, पुष्कर है, पता नहीं कितने सारे शहर हैं, लेकिन काशी का स्थान सबसे ऊंचा है। काशी को वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है। हालांकि प्राचीन भारत में 16 जनपद थे जिनके नाम है अवंतिका, अश्मक, कंबोज, अंग, काशी, कुरु, कौशल, गांधार, चेदी, वजी, वत्स, पांचाल, मगध, मत्स्य, मल्ल और सूरसेन। हमारे हिंदू धर्म के साथ पवित्र शहर, उसमें काशी की प्राचीनता है। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3,000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5,000 साल पुराना मानते, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों से मिलने वाले उल्लेख के अनुसार ये उससे भी पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को काशी का उल्लेख मिलता है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर के सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। इसका मतलब है 1800 प्लस 2014, मतलब 3814 वर्ष पुरानी है काशी। वेद का वजूद इससे भी पुराना है। विद्वानों ने वेद के रचना काल की शुरुआत 4500 ईस्वी पूर्व से मानी है, यानी आज से 6500 वर्ष पूर्व। हालांकि हिंदू इतिहास के अनुसार 10,000 वर्ष पूर्व हुए कश्यप ऋषि के काल से ही काशी का अस्तित्व रहा है। अभी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित काशी नगर भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा है। काशी संसार की सबसे पुरानी नगरी है। ये नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित है। पुराणों के अनुसार पहले भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंद श्रु गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसे पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनके निवास स्थान बन गई है। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, बल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रास्त्र का स्थान बन गया था। दो नदियों वरुण और असी के मध्य बसा होने के कारण इसका नाम पड़ा वाराणसी।
संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। वाराणसी के घरानों के हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। सन 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और क्षति पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा गया। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। फिर दूसरा शहर है गांधार। गांधार प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था, जिसके प्रमुख दो नगर थे, गुरुशपुर मतलब पेशावर और तक्षशिला। पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। महाभारत काल में यहाँ के राजा शकुनी के पिता सबल थे। गांधार की होने के कारण धृतराष्ट्र की पत्नी को गांधारी कहा जाता था। प्राचीन काल में अफगानिस्तान आर्यों का प्रमुख केंद्र था। हिंदुकेश पर्वत ऐसा क्षेत्र था जहां के दर्रे से निकलकर अन्य जातियों के लोग आए और उन्होंने अफगानिस्तान और यहाँ के हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। बामियान, जलालाबाद, बगराम, काबुल और कंधार यहाँ के प्रमुख प्राचीन स्थल थे, लेकिन इस्लाम के आगमन के बाद ये सभी नष्ट कर दिए गए। तीसरा शहर है तेहरान। तेहरान बहुत प्राचीन शहर है। ईरान में इस्लाम से पहले पारसी धर्म था। आज जितने भी ईरानी हैं उन सभी के पूर्वज पारसी थे। उसी तरह जैसे कि अफगानिस्तानियों के जो पूर्वज हैं वो हिंदू थे। पारसी धर्म ईरान का राजधर्म हुआ करता था। पैगंबर जरथुस्त्र ने इस धर्म की स्थापना की थी, इसलिए इसे जरथुस्त्री धर्म भी कहते हैं। हालांकि ईरान का यजद प्रांत सबसे प्राचीन रहा है। पारसियों का प्रमुख धर्म धार्मिक स्थल पश्चिमी ईरान के सिस्तान प्रांत के हमन झील के पास खाजेह पर्वत पर था। इसकी खोज में आज 250 ईसा पूर्व बने मंदिर के अवशेष मिले हैं। ईरान का प्राचीन नाम है पारस मतलब फारस। पारस देश पारसियों का मूल जन्मभूमि है। आतिश बेहरामी ने संपूर्ण ईरान ही यूरोप, मिस्र, अरब, रशिया, चीन, भारत आदि के सभी लोग का मिलन स्थल था। उल्लेखनीय है कि ईरान, उसे ईरान भी कहते हैं, ईरान आर्य मूल के लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द आर्यनम से बना था, जो असल में आर्यमन था। ईरान पर इस्लामी विजय के पश्चात पारसियों को इस्लाम कबूल करना पड़ा, तो कुछ पारसी धर्म के लोगों ने अपना गृह देश छोड़कर भारत में शरण ली। कहा जाता है कि इस्लामिक अत्याचार से त्रस्त होकर पारसियों का पहला समूह लगभग 766 ईसा पूर्व दीव पहुंचे। दीव मतलब दमन और जो दीव है, दीव से वह गुजरात में बस गया। अब पूरी दुनिया में पारसियों की कुल आबादी संभवतः 1 लाख से अधिक नहीं है। ईरान में कुछ हजार पारसियों को छोड़कर लगभग सभी पारसी भारत में ही रहते हैं और उनमें से अधिकांश मुंबई में रहते हैं। फिर चौथा शहर है बगदाद। इराक की दलजा नदी के किनारे बसा बगदाद शहर 4000 वर्ष पुराना है। यह नगर 4000 वर्ष पहले पश्चिमी यूरोप और सुदूर पूर्व के देशों के बीच समुद्र मार्ग के आविष्कार के पहले कारवां मार्ग का प्रसिद्ध केंद्र था तथा नदी के किनारे इसकी स्थिति व्यापारिक महत्व रखती थी। मेसोपोटामिया के उपजाऊ भाग में स्थित बगदाद वास्तव में शांति और समृद्धि का केंद्र था। इराक का इतिहास मेसोपोटामिया की अनेक प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास रहा है। यहां बाबुली और सुमेर नाम की प्राचीन सभ्यताएं थी। मान्यता है कि यहीं के एक बाग में आदम और हव्वा रहते थे। इराकी प्राचीन सभ्यता और भारत के सिंधु सभ्यता से मिले अवशेष से पता चलता है कि दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के संपर्क में थी। यहाँ की दलजा नदी के किनारे बसे बहुत से शहर बहुत प्राचीन हैं। फिर पांचवा शहर है मोसल शहर। मोसल दलजा नदी के किनारे बसा यह उत्तरी इराक का एक प्राचीन शहर है। मोसूल में अरब, कुर्द, यजीदी, आसुरी और इराकी तुर्कमान आदि लोगों का मिश्रण रहता है। मोसूल व्यापार का प्राचीन केंद्र था। छठा शहर है यरूशलम। भूमध्य सागर और मत्स्य सागर के बीच इज़राइल की सीमा पर बसा यरूशलम एक शानदार शहर है। शहर की सीमा के पास दुनिया का सबसे ज्यादा नमक वाला डेड सी यानी मत्स्य सागर है। कहते हैं कि यहाँ के पानी में इतना नमक है इसमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता।
और इसके पानी में मौजूद नमक के कारण इसमें कोई डूबता भी नहीं है। मध्य पर्व का यह प्राचीन नगर यहूदी, ईसाई और मुसलमान का संगम स्थल है। उक्त तीनों धर्म के लोगों के लिए इसका महत्व है, इसलिए यहां पर सभी अपना कब्जा जमाए रखना चाहते। जिहाद और क्रिसिट के दौर में सलालुद्दीन व रिचार्ड ने इस शहर के कब्जे के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। ईसाई तीर्थयात्रियों की रक्षा के लिए इसी दौरान नाइट टेम्पलर्स का गठन भी किया गया था। इसराइल का एक हिस्सा है गाजा पट्टी और रामल्ला, जहां फिलिस्तीनी मुस्लिम लोग रहते हैं और उन्होंने इसराइल से अलग होने के लिए विद्रोह छेड़ रखा है। ये लोग यरूशलेम को इसराइल के कब्जे से मुक्त कराना चाहते हैं। अंततः इस शहर के बारे में जितना लिखा जाए कम है। काबा, काशी, मथुरा, अयोध्या, ग्रीस, बाली, श्रीनगर, जाफना, रोम, कंधार यदि प्राचीन शहरों की तरह इस शहर का इतिहास भी बहुत महत्व रखता है। हिब्र में लिखी बाइबिल में शहर का नाम 700 बार आता है। यहूदी और ईसाई मानते हैं कि यही धरती का केंद्र है। राजा दाऊद और सलेमन के बाद इस स्थान पर बेबीलोनिया और ईरानियों का कब्जा रहा। फिर इस्लाम के उदय के बाद बहुत काल तक मुसलमानों ने यहां पर राज किया। इस दौरान यहूदियों को इस क्षेत्र में कई दफे खदेड़ दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसराइल फिर से यहूदी राष्ट्र बन गया और यरूशलम को उसकी राजधानी बनाया गया और दुनिया भर के यहूदियों को पुनः बसाया गया। यहूदी दुनिया में कहीं भी हो यरूशलम की तरफ मुंह करके ही उपासना करते हैं। किलेनुमा चार दीवारी से घिरे पवित्र परिसर में यहूदी प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। इस परिसर की दीवार बहुत ही प्राचीन और भव्य है। यह पवित्र परिसर ओल्ड सिटी का हिस्सा है। पहाड़ी पर बसे इस परिसर की भव्यता देखते ही बनती है जब पहाड़ी पर से देखेंगे तो। इस परिसर के ऊपरी हिस्से में तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है। उक्त पवित्र स्थल के बीच भी एक परिसर है। यरूशलम में लगभग 1204 सिनेगॉग, 158 गिरजे, 73 मस्जिदें और बहुत सी प्राचीन कब्रें हैं, 2 म्यूजियम और 1 अभयारण्य। इसके अलावा भी पुराने और नए शहर देखने के लिए दोनों शहरों में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। यरूशलम में जो भी धार्मिक स्थल है वो सभी एक बहुत सी चौकोर दीवार के आसपास और पहाड़ी पर स्थित है। दीवार के पास तीनों ही धर्म के स्थल है। यहाँ एक प्राचीन पर्वत है जिसका नाम जैतन है। इस पर्वत से यरूशलम का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। इस पर्वत की ढलानों पर बहुत सी प्राचीन कब्रें हैं। यरूशलम चारों तरफ से पर्वतों और घाटियों वाला इलाका नजर आता है। फिर छठा शहर है मक्का। मक्का सऊदी अरब के हिजाज प्रांत की राजधानी एवं पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म स्थान होने के कारण मुस्लिम जनता के लिए विश्वविख्यात तीर्थ काबा है। मक्का प्राचीन अरब संस्कृति का केंद्र था। अरब में यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी। अरब में यहूदी धर्म का शुरुआत पैगंबर इब्राहिम ने की थी। अब्राहम कह लीजिए या इब्राहिम कह लीजिए, उन्हीं से मानी जाती है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। उन्होंने ही सबसे पहले काबा को फिर से निर्मित किया था। फिर पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक अले और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल अले था। दोनों के पिता एक ही थे किंतु माँ अलग अलग थी। हजरत इसहाक की मां का नाम सराह था और हजरत इस्माइल की मां का नाम हजारा। पैगंबर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था। याकूब का दूसरा नाम इसराइल था। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इसराइल बनाया था। मक्का में हजरत इस्माइल की कब्र है और सीरिया में हजरत इब्राहिम की। फिर सातवां शहर है इजिप्ट। मिश्र बहुत ही प्राचीन देश है। यहाँ के पिरामिडों की प्रसिद्धि और प्राचीनता के बारे में सभी जानते हैं। प्राचीन मिश्र नील नदी के किनारे बसा है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में गाजा पट्टी और इसराइल, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया और दक्षिण में सूडान से घिरा हुआ है। यहाँ का शहर इजिप्ट प्राचीन सभ्यताओं और अफ्रीका, अरब, रोमन आदि लोगों का मिलन स्थल है। यह प्राचीन विश्व का प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र रहा है। मिश्र के भारत से हमेशा गहरे संबंध रहे।
यहां पर फराओ राजाओं का बहुत काल तक शासन रहा है। माना जाता है कि इससे पहले यादवों के गजपत, बपद, अधिपद नाम के तीन भाइयों का राज था। गजपत के अपने भाइयों से झगड़े के चलते उसने मिश्र छोड़कर अफगानिस्तान के पास एक गजपत नगर बसाया था। गजपत बहुत ही शक्तिशाली था। फराओ के राज में हजरत मूसा थे। हजरत मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थापक थे। यहूदियों के कुल 12 कबीले थे, जिसमें से एक कबीला कश्मीर में आकर बस गया था। मूसा को ही पहले से चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। मूसा मिस्र के फराओ के जमाने में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनको उनकी मां ने नील नदी में बहा दिया था। उनको फिर फराओ की पत्नी ने पाला था। बड़े होकर वे मिस्र के राजकुमार बने। बाद में जब उनको मालूम हुआ कि वे तो यहूदी हैं और उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है और यहाँ यहूदी गुलाम हैं, तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा कर उनमें नई जागृति लाई। मूसा का ईश्वर द्वारा 10 आदेश मिले थे। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ और परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराओं को हरा कर यहूदियों को आजाद कराया और मिस्र से पुनः उनकी भूमि इसराइल में यहूदियों को पहुंचाया। इसके बाद मूसा ने इसराइल में इसराइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के मुख्य संवैधानिक हैं। मिस्र का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। उसके बाद है 8वां शहर रोम। इटली की राजधानी रोम प्राचीन काल से धर्म, समाज और व्यापार का केंद्र रहा है। महान सभ्यताओं का यह शहर इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है। मिस्र और मक्का पर अधिकार की प्रतियोगिता के चलते रोम के राजा को एक बार महान सम्राट विक्रमादित्य के पकड़कर उज्जैन में प्रजा के सामने घुमाया था। माना जाता है कि नकुल के भाई सहदेव ने रोम, अंतियोकस तथा यवनपुर नगरों को अपनी दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में जीतकर इन पर कर लगाया था। रोम अवश्य ही रोमा का रूपांतर है। रोम निवासियों का वर्णन महाभारत में युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में उपहार लेकर आने वाले विदेशियों के रूप में भी मिलता है। फिर है 9वां शहर एथेंस। इटली और भारत की तरह यूनान एक प्राचीन देश है, इसे ग्रीक भी कहा जाता है। यहां हजारों महान दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए हैं। यूनान पर भारतीय धर्म और संस्कृति का गहरा असर था और रोमन साम्राज्य पर प्राचीन यूनान का गहरा असर था। अरस्तु, प्लूटो, सुकरात, डायोनिस, होमर, आर्किमिडीज आदि यूनान के प्रसिद्ध नाम। यूनान का प्राचीन शहर एथेंस यह विश्व के प्राचीनतम शहरों में शुमार होता है और इसका इतिहास 3000 वर्ष से भी पुराना है। प्राचीन यूनान में कुछ स्थलों के नाम शिव से संबंधित पाए जाते हैं। वहां त्रिशूल उसी रूप का एक भूखंड है। वहीं सलोनिका नगर है। कहते हैं यहां शिव उपासक रहते थे, जो कभी एशिया से यूरोप जाने वाले राजमार्ग में व्यापारियों से कर वसूलते थे। कभी अरब प्रायद्वीप से यूनान तक शिव के उपासक निवास करते थे। शिव शब्द धारण के आराध्य देवता सहज रूप में थे। इसके स्मृति चिन्ह सारे क्षेत्र में फैले हुए थे। और 10वां शहर है लोनान। चीन एक महान देश है। हिंदू पुराणों के अनुसार इसके समुद्री हिस्से को हरिवर्ष कहा जाता था। भारत की तरह चीन में कई प्राचीन शहर हैं और उनमें से हुनान प्रांत का फंग क्वांग शहर है। चीन में हान और जीन राजवंश का शासन ज्यादा रहा है। जहां तक सवाल प्राचीन शहर का है, तो चीन के जियांगसु राज्य यांगत्से नदी के पास बसी राजधानी नानजिंग भी चीन के इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता रहा है। इसके अलावा लिचियांग का प्राचीन शहर दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत की लिचियांग नासी जातीय स्वात काउंटी में स्थित है। प्राचीन लोनान नगर सिंचांग प्रांत के दक्षिण भाग में स्थित लोबुपु झील के उत्तर पश्चिम छोर पर आबाद था, जो कभी रेशम मार्ग के मुख्य स्थान पर रहा था। आज यह नगर रेगिस्तान, यातान भूस्थिति और कड़ी नमक परत से दबा हुआ है, जो एक निर्जन, बंजर और खतरनाक स्थल बन गया है। लोनान नगर के प्राचीन कब्र की खुदाई में आज से 3800 वर्ष पहले का सूखा हुआ मानव शव प्राप्त हुआ, जो लोनान की सुंदरी के नाम से मशहूर है। लोनान नगर में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, कंबल के टुकड़े, प्राचीन कांस्य सिक्के, प्राचीन शस्त्र
तथा रेशमी कपड़े के टुकड़े उपलब्ध हो गए हैं। सिंचांग प्रांत बेहूर, खजाक, हवी, उज्बेक, कागरची, ताजिक, तातार, तिब्बती, हान, चेंग आदि जातियों का यह मिलन स्थल था। व्यापार करने आए अरब के लोगों ने यहां पर इस्लाम का प्रचार किया और अब यह मुस्लिम बहुल प्रांत बन चुका है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।